ज्योतिष विज्ञान अपने आप में अद्भुत है। आज तो लोगों ने इसका मजाक बना दिया है ज्योतिष विज्ञान का, बड़ी पराविद्याओं में से एक है। और आज जन्मपत्री कुंडलियों का मिलान करते हैं शादी के समय में, बड़ा अद्भुत बात है। बस वो ज्योतिष का तथाकथित अधूरा मंदिर का पुजारी, अधूरा विद्वान क्या करेगा, क्या जन्मपत्री मिलाएगा, उसे ज्योतिष देखनी ही नहीं आती, जन्मपत्री मिलानी नहीं आती, क्या देखेगा, गुण मिला दिए बस, और मंगली है या नहीं, नाड़ी दोष थोड़ा सा छुट्टी देख ली और उसके बाद कह दिया जाओ, अरे भाई कैसी कुंडली, ये मिलती नहीं है ऐसे कुंडली, गलत है ये, इतनी सी बात नहीं देखी जाती, आपने देखा ही नहीं ये इस लड़की लड़के की उम्र पूरी है या नहीं। जिसके लड़के की उम्र पूरी नहीं है वहाँ अपनी लड़की की शादी कैसे करेंगे, वो 2 साल के बाद ही उसकी मृत्यु होने वाली है, ये तो उस ज्योतिषी ने देखा ही नहीं, आपने भी नहीं पूछा। क्या वो लड़का या वो लड़की सारी उम्र बीमार रहेगी, ऐसा योग तो नहीं है, मां दरिद्र योग तो नहीं है, ऐसी लड़की को लाके क्या करेंगे। श्रीमान इस किस्म की बहुत जरूरी बातें हैं, मेजर एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, लंगड़ा तो नहीं हो जाएगा ये बच्चा, ये लड़का ये लड़की, ऐसी कोई बात जबरदस्त आ रही है, जबरदस्त आश्चर्यचकित कर देने वाली बात आ रही है, तो क्या इसके आज शादी होते ही कोई महत्वपूर्ण गड़बड़ तो नहीं होगी, दुर्घटना तो नहीं होगी, ऐसे ग्रह योग तो नहीं है, ये सब भी देख लेना चाहिए, ये भाग्यशाली है या नहीं, निर्भाग लड़के से शादी करके या निर्भाग बदनसीब लड़की से शादी करके आपको क्या लाभ होगा। ये सब बातें कुंडली को मिलाने से पहले देखनी जरूरी है। ये ठीक नहीं है कि मंगली देख लिया और नाड़ी दोष देख लिया और गुण मिला दिए। आजकल तो ये हो गया है गुण मिलाए, नहीं जी 18 जाता है कर सकते हैं, 25 गुण मिले बढ़िया है, 36 मिल गए तो वाह 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 वाह, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ये बात गलत है। उसका वो पागल तो नहीं है लड़का या लड़की, उसका दिमाग से क्रैक तो नहीं है, ये सब बातें मालूम हो जाती हैं श्रीमान, इसे दमे की बीमारी तो नहीं है, ये सब आवश्यक बातें हैं, वैसे तो मालूम हो गई नहीं ये इसकी आई साइड ठीक है या नहीं, सब बातें एक एक करके सारी बातें आवश्यक प्रश्न विधि निषेध जान लेने चाहिए। इसके बाद आती है नंबर मुहूर्त की शादी। आज तो लोग कहते हैं महाराज जी लड़का बाहर से आया है बस इतवार को शादी करनी है, मुहूर्त है या नहीं है इतवार को शादी करनी है बस कर दीजिए छुट्टी, कैसे भी महाराज जी ये 100 रुपये लीजिए, मैं पंडित जी ने बस मुहूर्त नहीं भी है तब भी निकाल देंगे, क्या करा जाए। आप समाज भी समाज के लोग भी ऐसा प्रेशर डालते हैं कि ज़बरदस्ती हमें तो इतवार को ही करनी है, इतवार को मुहूर्त है या नहीं वहाँ कुछ भी है, किसी लड़के की कुंडली में काल सर्प योग है, अरे क्या करोगे फिर, और भी कितनी बात है, इतनी इस तरह के अद्भुत बातें हम अनाचार आज शुरू हो गया है और ज़बरदस्ती हम ज्योतिष ज्योतिष का किसी ठीक लग्न में शादी होती ही नहीं कभी। लग्न विवाह को कहते हैं, ठीक मुहूर्त में ठीक समय पर ठीक लगन में शादी करने से एक नया जन्म होता है, शादी विवाह एक नया जन्म है आपकी लाइफ में, नई जिंदगी में आप पैर रख रहे हैं, उसको ठीक रखना चाहिए वो ठीक समय पर। आज तो गाजे बाजे में हम समय नष्ट करते रहते हैं और जब तक भंगड़ा चल रहा है तो आपका समय निकल गया, मुहूर्त निकल रहा, पंडित जी बेचारे क्या करेगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, आप कहें पंडित जी बैठो चुपचाप बताइए क्या करें। और शादी जब फेरे पड़ते हैं उसके बाद एक और गजब होता है, आवश्यक वो अग्नि के फेरे पड़ना, वो ग्रहों का उपाय होना, पूजन करना जो परमावश्यक है उससे पहले, इतने बड़ी लाइफ में पैर रखने जा रहे हैं हम जो जिससे आपका भाग्य उदय हो सकता है, आपका सत्यानाश भी हो सकता है, दोनों बातें हैं, सभी प्रकार की बातें हैं, इसलिए आवश्यक बात है कि हमें वो अपना कर्म ठीक करना चाहिए,
अन्यथा उसकी सजा हम देखते हैं कि शादी हुई और कुछ और हो गया, 3 दिन में नहीं चली और वहाँ आपस में झगड़ा हो गया। बताइए इनकी इनके विचार मिलेंगे ये नहीं, ये सब पहले ही मालूम हो सकता है, हमने ठीक समय पर शादी नहीं की। इसलिए कौन से लग्न में शादी होने पर क्या होता है ये हमने अपनी पुस्तकों में विशेष रूप से विस्तार के साथ लिखा है, आप उसे पढ़कर सब कुछ जान सकते हैं। कुंडली मिलाना तो अलग बात है, किसी अच्छे सुलझे हुए विद्वान के द्वारा ही, और ये सब बातें आप पूछिए, आपका कर्तव्य है। लड़की लड़के वालों, आप सावधान हों इस मामले में, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, जिससे आपके बच्चे सुखी रहें और भाग्यशाली बने, उनका भाग्य उदय हो। कोई नहीं चाहेगा मेरे बच्चे बदनसीब बन जाएं और बुरी हालत में आ जाएं, ऐसा कोई नहीं चाहेगा, मैं भी नहीं चाहूँगा, आप भी नहीं चाहेंगे, गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी भी नहीं चाहेगा। इसलिए अगर आपको पूरी सुरक्षा चाहिए तो इन ग्रहों का उपाय कर लीजिए और वो ठीक तरह करिए, पूरी विधि के साथ होना चाहिए, फिर ठीक टाइम पर। नहीं तो पंडित जी, लड़का कह देगा पंडित जी जल्दी कर दीजिए जरा, ये 100 रुपये लीजिए, पंडित जी 20 मिनट में ही ख़त्म कर दे। अरे भाई ये करते ही क्यों, इसे ये ढकोसला कर ही क्यों रहे हो, है माला डाल दो या कोर्ट में शादी कर लो, दैट्स ऑल, ख़त्म, कोई बात ही नहीं, सारा झंझट समाप्त। इसलिए भैया ऐसा मत करो, ये आपके ऋषि मुनि बावले नहीं थे, वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे, परम वैज्ञानिक थे, आपका समाज का सबका कल्याण चाहते थे वो, इसलिए ये सब बातें बताई हैं।